स्नैपचैट यूजर्स या लवर्स, अगर आपका भी स्नैपचैट अकाउंट जो है वो लॉक्ड हो चुका है, जी हाँ भाई, जैसे ही आप ईमेल यूजर नेम या पासवर्ड दे रहे हो लॉगिन करने के लिए, वो आपको दिखा रहे हैं ऊप्स आपका स्नैपचैट अकाउंट जो है ना वो लॉक्ड हो चुका है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने लॉक्ड स्नैपचैट अकाउंट को जो है वो वापिस अनलॉक कर सकते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के अंदर। तो जानने के लिए देखते रहे हाउ टू चैनल को। जी हाँ, कल से मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर काफी लोगों के मैसेजेस आ रहे थे। जी हाँ, इंस्टाग्राम के ऊपर आप भी जाकर अभी जो है मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, और किसी भी किस्म का सवाल होना तो आप भाई मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर पूछ सकते हैं। अब आ जाते हैं वापिस टॉपिक के ऊपर कि भाई मेरा जैसे ही मैं स्नैपचैट लॉग इन कर रहा हूं ना, तो मुझे बता रहा है कि उप्स आपका स्नैपचैट अकाउंट जो है ना वो लॉक्ड है। तो भाई कोई तरीका बताओ कि जिसकी मदद से हम जो है ना अपने स्नैपचैट अकाउंट को वापस अनलॉक कर सके। तो वो मदद है आप सबका मोबाइल फोन, यानी कि आपने जो है अपने अपने मोबाइल फोन्स के अंदर चले जाना। तो लो भैया जी आ चुके हैं अपने अपने मोबाइल फोन्स के अंदर। सिंपली जो है चले जाना भाई किसी भी ब्राउजर के अंदर। मैं चला जाता हूं सफारी के अंदर, आप किसी भी ब्राउजर के अंदर जा सकते हो, वड्डी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे में आप जैसे ही गूगल ओपन करेंगे, यहां पर आपने लिख देना है स्नैपचैट सपोर्ट। जैसे ही स्नैपचैट सपोर्ट लिखेंगे, आपने चले जाना है स्नैपचैट की ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर। भाई मैं चला जाता हूं, यहां पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है माय अकाउंट एंड सिक्योरिटी। नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे आ जाएगा ऑप्शन, आपने इसके ऊपर जो है वो क्लिक करना है। यहां पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है माय अकाउंट इज लॉक्ड, आपने सिंपली जो है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहां पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है योर अकाउंट इज परमानेंटली लॉक्ड। अगर तो आपका अकाउंट है ना वो परमानेंटली लॉक्ड है, तो तभी ये तरीका जो है वो आपके काम आएगा। लेकिन अगर आपका स्नैपचैट अकाउंट जो है वो टेंपरेरी लॉक्ड है, तो भाई वो अनलॉक नहीं कर सकते। जो भी भाई टाइमिंग चल रही होगी ना कि इतने टाइमिंग के बाद आपका स्नैपचैट अकाउंट जो है वो वापस अनलॉक हो जाएगा, तो आपको जो है ना वेट करना पड़ेगा, उसमें कुछ नहीं वो कर सकते। लेकिन अगर तो परमानेंट लॉक है, वो कैसे जो है वो हल करनी है प्रॉब्लम वो देख लो। आपने जो है योर अकाउंट हैज बीन परमानेंटली लॉक्ड, इफ यू अटेम्प्ट टू अनलॉक योर अकाउंट एंड सी आ मैसेज, भाई ठीक है छोड़ो, आपने सिंपली जो है अनलॉक योर अकाउंट के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपको जो है वो रिडायरेक्ट कर देंगे लॉगिन इनटू द स्नैपचैट अकाउंट। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, आपके सामने जो है ना एक काला सा पेज जो है वो ओपन हो जाएगा अनलॉक माय अकाउंट के ऊपर, जो है वो आपने सिंपली क्लिक करना है और अनलॉक करना है, आपका अकाउंट जो है वो अनलॉक हो जाएगा। अगर तो हो गया, सक्सेस नजर आ गई है ना, तो ठीक है, थोड़ी देर बाद जो है ना 1 घंटे 2 घंटे बाद जो है वो आपको मेल आ जाएगा आपके ईमेल के ऊपर कि भाई रेडी टू यूज, अब आप अपना स्नैपचैट अकाउंट जो है वो यूज कर सकते हैं। लेकिन अब आ जाता है दूसरा तरीका, वो क्या है कि भाई हमें जो है ना वो हमारा अकाउंट अनलॉक नहीं हुआ, ये तरीका करने के बाद हमारा अकाउंट जो है वो अनलॉक नहीं हुआ, तो कोई दूसरा तरीका है? जी हाँ भाई, उसके लिए फिर जो है आपने चले जाना सफारी ब्राउजर के अंदर। जैसे ही ब्राउजर के अंदर जाएंगे, वही स्टेप्स आपने करने हैं, यानी कि स्पोर्ट स्नैपचैट स्पोर्ट, स्नैपचैट स्पोर्ट के ऊपर क्लिक करके वेबसाइट के अंदर चले जाना। जैसे ही आप इसके अंदर जाएंगे, यहां पर आपने जो है कॉन्टैक्ट अस के ऊपर जो है ना वो क्लिक कर देना। जैसे ही आप कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करोगे, यहां पर एक आपको ऑप्शन मिल जाएगा आई थिंक माई अकाउंट वॉज कॉम्प्रोमाइज, यानी कि आपने इसके ऊपर जो है वो क्लिक कर देना। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपको जो है वो मिल रहे हैं कुछ ऑप्शन, एक फॉर्म टाइप सा मिल रहा है। यूजर नेम आपने अपने स्नैपचैट का यूजर नेम देना, उसके बाद ईमेल एड्रेस जो आपका स्नैपचैट के साथ ईमेल एड्रेस एसोसिएट था वो देना, और उसके बाद फोन नंबर देना है। डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या देना है वो देख लेते हैं, यानी कि आपने लिखना है भाई, आपने एक दफा जो है वो वीडियो को पोस्ट कर लेना है, ये चीज जो है वो आपने देख लेनी है। और अगर आप भाई ओल्ड यूजर है ना स्नैपचैट के, तो उतनी ही डेट जो है ना टाइम लिखना है। अब मैंने 2 साल लिखा है, ये ना हो कि आप भी 2 साल ही लिख दो, यानी कल अकाउंट बनाया और 2 साल लिख दो, उन्होंने पता चल जाएगा ये बंदा ना साढ़े ना चीट कर रहे हैं। तो ऐसे में जितना टाइम आपको स्नैपचैट के ऊपर हो चुका है वो टाइम आपने लिखना, और उसके बाद बाकी एज इट इज जो है वो आपने लिख के सिंपली जो है ना प्रोटेक्टेड बाय कैप्चा और सेंड के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ये चीज कर देंगे, आपका लॉक्ड स्नैपचैट अकाउंट जो है ना वो भाई 48 आवर्स के अंदर जो है ना वो वापिस आ जाएगा। ये होती है स्नैपचैट की मतलब टाइमिंग, कि भाई 48 आवर्स के अंदर जो है वो आपको आपका अकाउंट वापिस मिल जाएगा। लेकिन मेरी मानो तो 1 घंटे के बाद ही जो है ना ये करने के बाद आपका स्नैपचैट अकाउंट जो है ना वो ओपन हो जाता है। तो अगर तो आपका स्नैपचैट अकाउंट जो है वो रिकवर हो चुका है या ओपन हो चुका है, तो अभी इसी वीडियो को जो है वो एक थम्स अप दे दो। और अगर आप हाउ टू चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब हाउ टू चैनल। मिलता हूं एक नई वीडियो में, अब तक के लिए चाहता आप सब लोगों से इजाजत, गॉड ब्लेस यू।